अब खबर कतर, तुर्की और अमेरिका की कोशिशों से जुड़ी हुई, जो कि अब इसराइल और हमास के बीच जो युद्ध विराम है वो बढ़ रहा है। एक अच्छी खबर, 4 दिन के युद्ध विराम को अब 2 दिन और बढ़ाने पर सहमति बन गई है। पहले ये युद्ध विराम 4 दिनों का था, जिसमें 50 इसराइली बंधक और 150 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाना था। समझौते की पुरानी शर्तों के साथ ही अब युद्ध विराम 2 और दिनों के लिए जारी रहेगा। जानकारी के मुताबिक इस दौरान 20 और इजरायली बंधक रिहा किए जाएंगे, जबकि इजराइल 50 और फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इसके पहले पुराने समझौते के तहत हमास ने तीसरे बैच के 11 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया है, जिसके बदले 33 फिलिस्तीनी कैदियों को इजराइल ने रिहा कर दिया। दुनिया के कई देश इस कोशिश में लगे हैं कि इस युद्ध विराम को और आगे बढ़ाया जाए। इसराइल से आ रही जानकारी के मुताबिक हर 10 बंधक के रिहा करने के एवज में वो 1 दिन युद्ध विराम बढ़ाने पर सहमत हो सकता है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी उमा शंकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमा, जिस तरीके से दिनों की ये मियाद आगे बढ़ रही है, एक अच्छी खबर के तौर पर इसको माना जा सकता है, अब 2 दिन और युद्ध विराम के बढ़ा दिए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए 4 दिनों का जो युद्ध विराम था उसमें जो समझौता हुआ था उसके तहत जो है वो 50 इजरायली बंधक जो है वो छोड़े जा चुके हैं, और इसके अलावा 19 और जो बंधक हैं वो भी हमास ने अपनी तरफ से छोड़े हैं, जिसमें थाईलैंड के जो नाविकों की तादाद जो है वो ज्यादा है। अब जो है जो आगे 2 दिनों को बढ़ाने की सहमति हुई है उसमें 20, जैसा कि आपने भी बताया कि 20 जो इजरायली बंधक हैं उनको छोड़ा जाएगा हमास की तरफ से, और 50 से 60 जो फिलिस्तीनी कैदी हैं जिनमें की ज्यादातर महिलाएं हैं, तकरीबन 50 महिलाएं हैं, उनको इसराइल की तरफ से छोड़ा जाएगा। इसराइल ने बहुत पहले ही यह प्रस्ताव रख दिया था कि हर 10 बंधकों के बदले वो 1 दिन जो युद्ध विराम है वो बढ़ाने को तैयार है, और उसी पुराने फॉर्मूले के तहत, और साथ ही साथ जो 1 बंधक के बदले 3 फिलिस्तीनी कैदी छोड़ने का जो फॉर्मूला है, इन दोनों ही फॉर्मूले के तहत इस युद्ध विराम को आगे बढ़ाया गया है। अमेरिका भी लगातार इस कोशिश में लगा रहा है कि युद्ध विराम की अवधि बढ़ाई जाए, और उसका 2 मकसद वो बताता रहा है। तकरीबन 10 अमेरिकी नाविक जो हैं वो हमास के कब्जे में हैं। 4 साल की एक बच्ची को छोड़ा गया था परसों, जो कि अमेरिकी नागरिक है। उसके अलावा जो अमेरिकी नागरिक हैं वो अभी तक हमास के कब्जे में हैं, और अमेरिका चाहता है कि तमाम जो अमेरिकी नागरिक हैं, दोहरी नागरिकता वाले जो नागरिक हैं, उनको छोड़ा जाए, और इसलिए भी वो युद्ध विराम को आगे बढ़ाने के लिए लगातार इजिप्ट और जो कतर है उसके संपर्क में रहा है। तुर्की ने भी अपनी तरफ से मदद की है। तो अब जबकि युद्ध विराम 2 दिन और बढ़ रहा है, तो उसका एक बड़ा जो राहत वो इसराइल जो गाजा पट्टी के जो लोग हैं उनके लिए होगा, क्योंकि पिछले 4 दिनों में हमने देखा है कि तकरीबन हर दिन 200 ट्रक जो है और मदद सामग्री वो गाजा पट्टी पहुंच रही है, और लोगों को वहां पर जो चीजों की किल्लत है उसमें उनको थोड़ी सहूलियत हो रही है। जो ट्रक पहुंच रहे हैं उसमें ईंधन भी है, और खासतौर पर टेंट जैसी चीजें भी है जिनकी खास जरूरत है, क्योंकि लाखों लोग जो है वो अपना घर, उनका घर जो है तबाह हो चुका है, वो खुले में रहने को बाध्य है, ठंड का मौसम आ रहा है, तो ऐसे में उनको एक ऐसी शरण की जरूरत है जहां पर वो अपना सिर छिपा सकें। तो इसलिए ये 2 दिन जो युद्ध विराम बढ़ रहा है उसका फायदा जो है गाजा पट्टी के लोगों को तो होगा ही, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा जो बंधक हैं वो रिहा हो सकेंगे। 69 बंधक अभी तक जो है वो हमास छोड़ चुका है, जो कि 50 जो है वो डील का पार्ट था, उसके अलावा 19 उसने बंधक छोड़े हैं। अब देखना है कि ये जो 2 दिनों का युद्ध विराम, हालांकि इस पर आधिकारिक तौर पर इसराइल की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन व्हाइट हाउस ने इसकी पुष्टि कर दी है कि 2 दिनों के लिए युद्ध विराम बढ़ाया गया है। हमास की तरफ से भी इस बात की जानकारी दी गई है, और कतर फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ट्वीट करके इस बात को कहा गया है। तो अब ये एक राहत की बात है कि कुछ और बंधक छूट रहे हैं और गाजा में और ज्यादा राहत सामग्री जो है वो पहुंचने जा रही है। बड़ी राहत ये है गाजा के लोगों के लिए। ऐसे भी उमा, जिस तरीके से अमेरिका पूरी कोशिशों में लगा हुआ है, अमेरिका समेत कई और देश है, उनकी कोशिशें रंग ला रही है, ये कहना गलत नहीं होगा। जी बिल्कुल, देखिए जो जहां तक युद्ध विराम की बात है, तो पहले जब युद्ध विराम की बात होती थी तो ये कहा जाता था इसराइल की तरफ से कि युद्ध विराम करने का मतलब होगा हमास के सामने आत्मसमर्पण, और अमेरिका जैसा देश जो कि पूरी तरह से उसके पीछे खड़ा है, उसने भी कभी युद्ध विराम का, पूर्ण युद्ध विराम का समर्थन नहीं किया। ह्यूमैनिटेरियन पॉज का जो है, थोड़ी देर के लिए युद्ध को रोकने की जो बात है, वो अमेरिका की तरफ से की जा रही थी। अब जब 4 दिनों के लिए युद्ध रुका और उस बीच जो बंधकों की रिहाई हुई समझौते के तहत, और अमेरिका जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसके नागरिक भी
हमास के पास बंधक हैं, और जो बाइडेन से जब पूछा गया था कि कब अमेरिकी जो बंधक हैं वो रिलीज होंगे, तो अमेरिका की तरफ से, जो बाइडेन की तरफ से कहा गया था कि उनको नहीं पता कि अमेरिकी बंधकों की हालत क्या है और कब तक वो छूटेंगे, तो अभी तक जो है एक ही बच्ची जो है अमेरिका की जो है वो छूटी है। और इसलिए जो अमेरिका की कोशिश है कि युद्ध विराम आगे बढ़े, क्योंकि वो अपने तमाम बंधकों को छुड़ाना चाहता है। दूसरी तरफ जहां तक इजिप्ट और कतर जैसे देशों की बात है, तो उनकी कोशिश यह है कि ये युद्ध जो है वो पूरी तरह से रुके, और गाजा में जिस तरह की तबाही हुई है, वहां पे जिस तरह से लोगों को किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, वो जो मानवीय त्रासदी की जो स्थिति पैदा हुई है वो दूर हो, उसको कम से कम रोका जा सके। तो ऐसे में कोशिशें जो है वो रंग ला रही हैं। हमास को भी ये बात समझ में आ रही है कि बंधकों को रखकर वहां जो है वो शांति नहीं आ सकती। हालांकि इसराइल की तरफ से साफ किया जा चुका है कि युद्ध विराम की अवधि जब भी खत्म होगी उसके बाद वो उसी ताकत के साथ फिर से हमले करेगा, और हमास के खात्मे तक, हमास का जो सैन्य की जो सैन्य ताकत है उसको खत्म किए जाने तक वो नहीं रुकेगा। और बंधकों को छुड़ाना तो उसका एक मकसद है ही, और साथ ही साथ तीसरे मकसद के तौर पे पीएम नेतन्याहू ने यह कहा है कि गाजा फिर से कभी इसराइल के लिए सुरक्षा का खतरा न बने, ये तय कर लेने के बाद ही इसराइल जो है अपनी तरफ से युद्ध रोकेगा। तो अभी एक लंबा रास्ता है, हालांकि एक जो ये युद्ध विराम हुआ है, चार के बाद अब दो दिन और बढ़ाकर जो छह दिनों का युद्ध विराम हुआ है, वो वहां पे जरूर लोगों के लिए राहत की बात है, लेकिन युद्ध जो है अभी लंबा चलेगा, ये इसराइल की तरफ से साफ किया जा चुका है।